सुपरस्टार सलमान खान की सुल्तान फिल्म 31 अगस्त को चाइना के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि चीनी दर्शकों को सलमान खान का स्टारडम रास नहीं आ रहा है और फिल्म के लगातार कलेक्शन में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो गए और 8 दिन के भीतर फिल्म ने महज 32 करोड़ की कमाई की है, जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक है। वैसे देखा जाए सलमान खान की साल 2016 में जब सुल्तान फिल्म रिलीज हुई थी तो भारत में इस फिल्म को लोगों ने जमकर पसंद किया था। साथ ही फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा की एक्टिंग की लोगों ने जमकर तारीफ की थी, लेकिन जब फिल्म चाइना में रिलीज किया गया तो चाइना के दर्शकों को ये फिल्म रास नहीं आ रही है। आपको बताते चले, इससे पहले भी सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हो चुकी है चाइना में, जिसे बम्पर रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बजरंगी भाईजान के अपोजिट फिल्म सुल्तान को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सुल्तान के चाइना के कलेक्शन देख कर यही लग रहा है कि चाइना में फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रिकॉर्ड यह है कि चाइना के कलेक्शन मिलाकर अब सुल्तान फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सलमान खान की दूसरी फिल्म है जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना हो गया है। इससे पहले फिल्म बजरंगी भाईजान का कलेक्शन 900 करोड़ के पार गया था। आपको बताते चले, मूवी क्रेडिट्स ने इस फिल्म के पहले दिन जबरदस्त कलेक्शन जुटा पाने की उम्मीद जताई थी, लेकिन चाइना के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का पहले दिन ही बुरा हाल हो गया था। सुल्तान फिल्म को चाइना में करीब 4000 सर्किट्स पर रिलीज किया गया, लेकिन पहले दिन के कलेक्शन में इसका कोई भी फायदा नहीं होता दिख रहा था। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ता पहले इस फिल्म को लेकर भारी एडवांस बुकिंग भी देखने को मिल रही थी।